तो बेटा लास्ट क्लास में बस हो गया, इस क्लास में वापस आ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लिया था। आज हमारे पास ये जानना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है पहला, और दूसरा हमारे को एनसीईआरटी एक छोटी सी लाइन में लिख के देती है, आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल। क्या जो अलग अलग तरीके की एनर्जी हैं वो इंटरकन्वर्टिबल हैं? द आंसर इज डेफिनेटली यस, फॉर नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है कि एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल होती है। इंटरकन्वर्टिबल क्या होती है, इस बात को समझने से पहले आप पहले इस चीज को समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या काम करना है, आइए इस चीज को जानते हैं। पहले तो इसकी स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसके आगे ये बोलता है इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यानी कि एक से दूसरे पर आप लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो शायद जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो आपको इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने दे दिया कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मेरे पास कई सारी चीजें हैं जिससे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अभी कैसा है रूम में, अंधेरा है, तो अंधेरा ही कह रहा हूँ मैं भी, है ना, अभी अंधेरा है और दूसरे रूम में भी लाइट जल रही है उसकी लाइट है, हमारे रूम में तो अंधेरा है, कंपेरेटिवली तो अंधेरा है। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरे पास बिजली का बोर्ड है इसके अंदर कौन सी एनर्जी जा रही होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैंने इसके अंदर क्या लगा दी, लाइट, तो ये कौन सी एनर्जी में आ गया, लाइट एनर्जी में आ गया, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही अगर आप किसी एक बल्ब को जलाओगे और बल्ब अपने हाथ में पकड़ के देख लेना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में, और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, समझ में आ रहा है। अब मैं किसी के थप्पड़ मारूंगा, तो जो मैंने थप्पड़ मारा हूँ मेरी एनर्जी थी, वो मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी। गाले थप्पड़ पड़ता है तो पता पड़ जाता है ना। इसके अलावा एक और एनर्जी वहाँ पे समझ में आती है, साउंड एनर्जी, पटाख आता है ना आवाज, है ना, तो वो साउंड एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, है ना, एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, सो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ये कहता है हमसे एक सिंपल स्टेटमेंट में कि टोटल एनर्जी इसको आप ऐसे ले सकते हो, और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि टोटल एनर्जी बराबर किसके इक्वल होगी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पर सर आपकी इस बात से तो हम सहमत नहीं, ये ऐसा कैसे हो जाएगा हर बार पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट आ जाएगी। मेरी बात ऐसा कर लेते हैं, एक छोटा सा नमूना देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तीन पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए, और यहाँ पर मैंने इसको नीचे डाल दिया एक पॉइंट बी पर। इस बॉल को मैंने ऊपर से नीचे फेंका है, तो ऊपर मेरा पॉइंट ए मान लिया और ग्राउंड पे मैंने पॉइंट क्या मान लिया बेटा, बी मान लिया, और इन बिटवीन कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो सी। ठीक है, ये ए हो गया, ये ग्राउंड का लेवल हो गया, और ग्राउंड के बाद बेटा इन बिटवीन यहां पर ले लेता हूं मैं कोई भी एक पॉइंट सी ले लेता हूं, राइट। लेट्स से कि आपका जो सी पॉइंट है ये मेरे पास एक्स डिस्टेंस पर है, और ये जो बॉडी है यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट है
ये मेरे पास पूरी हाइट कितनी है h। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बॉडी को जब मैं नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाता हूँ, तो आप मेरे को बताओ क्या बॉडी को जब मैंने इसको ये रेफरेंस लेवल हो गया बी पॉइंट और इसको उठाकर मैं ए पॉइंट पर ले जाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ए पॉइंट पर इस बॉडी के पास आपको कोई वेलोसिटी दिख रही है? नहीं है। तो जब वेलोसिटी नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर था, और जब वी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात तो ये हो गई, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन ए पॉइंट पर क्योंकि कोई भी वेलोसिटी नहीं है एट पॉइंट ए, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है क्योंकि आपके पास वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आएगा? देखो, मास जो ही बॉल का होगा इनटू में ग्रेविटी इनटू में हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एमजी चाहिए, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ये कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एमजीएच प्लस जीरो, यानी कि कितनी आ गई बेटा मेरे पास? एमजीएच। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है यहां तक तो? ठीक। अब मैं बात करता हूं पॉइंट बी की। किसकी बात करता हूं बेटा मैं? एट पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूंगा तो बेटा बी पॉइंट पर जब नीचे वापस से आ जाएगी तो इस पॉइंट पर हाइट कितनी होगी? जीरो, क्योंकि तो रेफरेंस लेवल है। तो जब हाइट हमारे पास जीरो हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि एमजीएच है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास? जीरो हो गई। अब जब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो हो गई तो इसका मतलब जब ऊपर से नीचे आई क्या वो कोई वेलोसिटी से आई होगी? बिल्कुल आई होगी। तो क्या उसी काइनेटिक एनर्जी इस बार कुछ होगी? हाँ, पर कितनी होगी? अभी हमें वैल्यू नहीं पता सर, हम तो ऐसे निकालते हैं, ऊपर से आपने छोड़ा तो यू बराबर हो गया जीरो, वी हमें फाइंड करना है, हम तो इक्वेशन लगा देंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और क्योंकि क्योंकि आपका हाइट नीचे की तरफ है तो एच भी हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच। सर हम तो ये लगा देंगे, बाकी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको लगा के देख लेते हैं। एट पॉइंट बी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हाइट जीरो है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मैं वी स्क्वायर की जगह पर वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच और वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वी स्क्वायर की जगह पर आप टू जी एच लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैं वी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख रहा हूँ बेटा? टू जी एच, वी का मतलब रूट है ना, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1 by 2 into m, v square की जगह पर 2gh, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2gh, 2 से 2 गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgh, टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 0 पोटेंशियल प्लस mgh काइनेटिक, यानी कि टोटल एनर्जी इस बार कितनी आ गई? mgh, यानी कि b पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई? mgh, ए पॉइंट पर कितनी थी हमारे पास? एमजीएच। तो ये तो हमारे पास सही प्रूफ हो रहा है कि टोटल एनर्जी यहाँ पर भी एमजीएच है, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी एमजीएच है। टोटल एनर्जी का अगर हमने निकालना होगा तो हम सीधा एमजीएच, हाँ जी, टोटल एनर्जी आप एमजीएच लगा दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी और भी सी पॉइंट की बात करते हैं सर, यहाँ पे सेम ला के दिखाओ तब मजा आए। चलो यहाँ पे तो मान लिया एक जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, एक जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यहाँ बताओ क्या सीन है, क्या यहाँ पे भी सेम आएगा या जीरो आएगा कुछ आएगा? अब बेटा यहाँ पर तो जीरो नहीं आ सकता कुछ भी, क्योंकि इस बार अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो कुछ ना कुछ हाइट पे है, समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ हाइट पर है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी पकड़ी होगी। तो अब पहले बताओ इस पॉइंट पर ए टू सी है ना, अब पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट सी जो पॉइंट सी है इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एग्जिस्टेंस की दूरी पर गिरा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी एक्स, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें मुझे बहुत बड़ा डाउट है। पहली बात तो बेटा आज आप लोग दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ये गलती मत करना जो भी बच्चों ने करी है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की ग्राउंड से ली जाएगी, रेफरेंस पॉइंट से ली जाएगी। अगर आप एक्स ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब नीचे से उठाते हैं बेटा, लिफ्ट करते हैं, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ना कि जब ऊपर से नीचे गिर रही होती है, ठीक है? तो बेटा हाँ, वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी उस समय एक्स लेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्स आप आज से नहीं लेंगे।
पोटेंशियल एनर्जी के डिस्टेंस जो मेजर किया जाए वो कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा, जो हमेशा जमीन से लिया जाता है। तो जमीन से जो दूरी है सी पॉइंट की वो कितनी हो जाएगी, ये एक्स है, ये टोटल एच है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, एच में से एक्स को कम कर दीजिए, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो इस पॉइंट पे आएगी ये आएगी एम जी एच माइनस एक्स। क्लियर हो गया, कोई भाई एम जी एच ही लगा रहा हूँ, बस हाइट को मैंने एच माइनस एक्स लिख दिया है क्योंकि ये वाली जो हाइट है ग्राउंड से लूंगा और सी पॉइंट पे जो ग्राउंड कॉल आ रहा है किसका है, बाय वाली मैम का। चलिए बेटा थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया, ठीक है, तो कॉल भी आ गई, कॉल भी आ गई। अच्छा आप देखिए, मैंने आपको ये समझाया पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पॉइंट बी पर समझा दिया, अब पॉइंट सी पर देखे तो हाइट हमेशा कहाँ से रहनी है बेटा, ग्राउंड से, और ग्राउंड से हाइट कितनी है हमारे पास एच माइनस एक्स। अब ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये आती है सर आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जो मैं गिरा रहा हूँ छोड़ रहा हूँ सब एम है ना, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, मास तो कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर वी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बेटा फॉर्मूला ही लगेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, बस एच की जगह पर इस बार आप कौन सी हाइट ले लोगे एक्स, क्योंकि यहाँ तक जब गिरी है इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ ना जमीन पर जाने से पहले, तो ये वाली हाइट तो एक्स हो जाएगी ना बच्चा, तो जो एक्स वाली हाइट हो जाएगी तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी जगह पर टू जी एक्स कर देना, चलो दूसरी जगह पर लिखो यहाँ पे फॉर ये पॉइंट बताने किसके था, ये सी के लिए, ठीक है, c के लिए v square equals to u square minus 2gx, क्योंकि x नीचे जा रहा है तो x negative negative positive हो जाएगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो v square is equals to 2gx और v square equal to gx, simple। चले अब यहाँ पर देखिए, तो kinetic energy की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 into m, v square की जगह पर आप क्या लिख दीजिए 2gx, 2 से 2 गया mgx बचा, right? अब जो हमारे पास टोटल एनर्जी होता है बेटा वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कहानी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी एम जी एच माइनस एम जी की मल्टीप्लाई करें, देखो ऐसे लिख सकते हैं एम जी एच माइनस एम जी एक्स, भाई एम जी की पहले एच मल्टीप्लाई करें तो एम जी एच आ गया, एम जी की एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एम जी एक्स, प्लस एम जी एक्स से तोड़ गया, तो अब भी टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा सी पॉइंट पर mgh। इसका मतलब क्या है, यही है बेटा, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहती है। अरे पूछना था सर। क्या पूछना था बेटा तेरे को सर, जो पिछले क्लास में बता रहे थे जैसे कि कोई भी सर्कुलर पार्ट का जो वर्क किया गया उसको निकालना होता है, तो जैसे कि आपने कहा था जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं और कहते हैं हमें कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड एंड नहीं करना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो आपने कहा था थोड़ा सा आगे आगे करना तो वर्क कम होना दिखेगा, फिर सर अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे कर दे तो वर्क ज्यादा दिखेगा। इसने भैया आपका जो सिंपल कहा था इतना लंबा इसने बोला ऐसा सर्कुलर पाथ का क्या कॉन्सेप्ट था वो बता दो बेटा, सुन सर्कुलर पाथ का एक कॉन्सेप्ट था यहाँ से लेकर यहीं से खत्म कर दे तो वर्क जीरो, अब तू चाहे यहाँ से लेके यहाँ पे रुक जाएगा तो भी मैं तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस लूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ तो इतना ही लूंगा मैं, तो मैं क्यों लूंगा इतना बड़ा, तू घूम के आया मुझे उससे क्या मतलब, शॉर्टेस्ट पाथ देखूंगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ मत जा ऐसे जा बस। खैर ये कहानी समझ में आ गई, एक रिलेशन होता है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस टोटल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब इसमें भी हमारे पास ये यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो ये आता है, ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे वैसे तो ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो हमारे पास नेगेटिव होना चाहती है क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में रहती है, तो अगर कोई रिलेशन पूछेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इवन टू भी हटा दो, अभी आप लोगों के लेवल पर इतना भी नहीं आएगा, आएगा तो ये आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होंगी नेगेटिव होंगी, है ना, मैंने आपको निकाल के दिखाया था एम जी एच वो माइनस का एम जी एच आना चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, चेक कर लो ना, देखो चेक करो, आपको अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर उठा के दिखाता हूँ किसी बॉडी
तो पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस, तो फोर्स हो जाएगा एम इनटू ग्रेविटी की वैल्यू को हमेशा क्या बोला है मैंने लेने के लिए नेगेटिव, तो माइनस जी हो गया इनटू एस का मतलब एच, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई ना नेगेटिव, ये कहा नहीं होगा ठीक है। अब जब आप उठा रहे होते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, इसके अंदर पर काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, स्टैटिक पोजीशन में तो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा रहे हैं है ना, तो वी चेंज है ही नहीं, तो हमारे पास जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तब हमारे पास जाकर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी आती है, तो उस केस में क्या आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, लेकिन ये वी स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आएगा 2gh का ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, ये बात याद रखना काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है और वो क्या रहती है हाँ समझ रहे ना कहानी को कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा ये वी स्क्वायर 2gh पॉजिटिव क्यों रहता है सर, वी क्यों पॉजिटिव, बेटा वी स्क्वायर देखो एक्चुअल में तो 2gh पॉजिटिव रहता है, हमारे पास ये तो फाइनल वैल्यू आती है ना हाफ एम वी स्क्वायर, ये mgh जो आएगा ये पॉजिटिव क्यों आएगा, ये देखो बॉडी यहाँ से यहाँ पर उठा गए आपने यहाँ से यहाँ पर नीचे डाली तब की कहानी है ना, तो इक्वेशन तो यही लगाओगे वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, अब ये u तो जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, जब छोड़ोगे तो नीचे जाएगी बॉडी, नीचे जा रही है तो h क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसलिए v क्या आ गया 2gh का पॉजिटिव आ गया, और इसीलिए जो यहाँ पे जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे हाफ एम वी स्क्वायर में जो कि हमारे पास वी स्क्वायर आप 2gh जाएंगे 2 से 2 कट जाएगा तो mgh कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है हमारे पास पॉजिटिव आती है और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आती है नेगेटिव आती है ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर, क्या है पावर, तो पावर हमसे एनसीईआरटी कहती है सिंपल सी भाषा में, एक बच्चे है ना दो उठा के और उन बच्चों को रस्सी पर चढ़ने को कह देना, और एक बच्ची है 8 मीटर की दूरी पर रस्सी सेम डिस्टेंस कवर करेगा या करेगी जो भी होगा, इतना तो याद नहीं है मेरे को, तो इसने कहा रस्सी पे ये हो गई और ये 8 मीटर दोनों है ना, एक बच्ची है जो यहाँ से चढ़ी इसने टाइम कवर किया 10 मिनट में, इसने किया 5 मिनट में ठीक है, तो आप बताओ किसकी पावर ज़्यादा थी, तो बेटा इसकी पावर ज़्यादा रही, ऐसा हमें कैसे पता पड़ना है हैं? दो जने ऐसे चढ़ाते हैं तेरे को जो बोल रहा है बैठे बैठे, अरे मैं वो कह रहा था पर बोला 10 सेकंड है मिनट की जगह, क्या लिखा है बेटा ये है? किसी को सेकंड दिख रहा है सो रहा है ना क्लास फिर सो रहा है अरे लड़कियां हैं अच्छा सॉरी खुश, तो कहने का मतलब हमारे पास ये कहानी होगी है ना। अब यहाँ पर हमारे को पावर चाहिए, तो पावर क्या होता है बेटा, पावर इज सिंपली डिफाइंड एज रेट, रेट का मतलब क्या आ गया हमारे पास डिवाइड बाय रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि इस कहानी को क्या कर देना है मेरे को टाइम से डिवाइड कर देना। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है वाट, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है वाट, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट, किताब खोलिए उसको देख के बता दिया कोई बड़ी बात नहीं करी है पावर की ऐसा यूनिट जो है हमारे पास क्या होती है बेटा वाट। वॉट जैसे आप लोगों ने देखो 1 जूल को हमने डिफाइन किया था, 1 जूल को हमने डिफाइन किया था वर्क की ऐसा यूनिट जूल थी, तो वहां पर हमारे पास जब 1 जूल को डिफाइन करना था तो हमने वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, हमने कहा था जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर को डिस्प्लेस करेगा तब हमारे पास क्या होगा
एक जूल का वर्क होगा, यानी कि मुझे ये क्या करना है, एक एक बनाना है। अब मुझे जब यहाँ पे एक बनाना, तो मैंने फोर्स ही 1 न्यूटन ले लिया और डिस्प्लेसमेंट ही 1 न्यूटन ले लिया। अब की बार मेरे पास कहानी क्या है कि मुझे पावर क्या बनानी है, 1 वॉट बनानी है। अब अगर पावर मेरे को बेटा 1 वॉट बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कितना लेना पड़ेगा वर्क को, 1, टाइम को कितना लेना पड़ेगा 1, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पावर इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड जब होगा, तो इस समय पर पावर 1 वॉट होगी। एक तरीका तो ये है आधा नंबर लेने का, लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर में आता है स्कूल में, तो बेटा स्कूल में कैसे लिखेंगे, इसी को बस अंग्रेजी में लिखना है। मेरी भी खराब थी, तुम लोगों की भी ठीक है, तुम क्या सोचते, ठीक है, मैं कहता रहा हूँ, मेरी थोड़ी तंग थी अंग्रेजी, है ना, मैं क्योंकि अंग्रेजी क्लास से अधिकतर बाहर ही रहता था, मज़े तो आते नहीं थे, और अंग्रेजी थोड़ी ऐसी थी, हिली हिली सी, समझ रहे हो ना, बस इज एम आर वाला आता था, तो बस अगर रीजन बता रहा है, एक और रीज़न, हाँ बता बता, नहीं नहीं बोल दे, ऐसा क्या हो गया, अब तो टीचर बन गए, अब तो टीचर बन गए हम, अब तो ठीक ठाक है अंग्रेजी, नहीं है अच्छी मेरी इंग्लिश, ऐसा है, काम चलाओ तो है ना, आई नो यू नो दे नो, परफेक्ट है, एक्सीलेंट है, ही टॉक आई टॉक व्हाई डू यू मिडिल टॉक, हैं मिडिल टॉक क्यों कर रहा है भाई, चलो, तो कहने का मतलब ये है कि बीच में बातें ना करा करो जब दौड़े बात कर रहे हो, चलो खैर खैर खैर, अब वापस आप, अरे बेटा कर ले मजाक कर, है ना, चलो सुनो मेरी बात, ये कौन से तेरे ज्यादा बड़े हैं, छोटे ही होंगे, तेरा बर्थडे कब आता है, तो तेरा कब आता है, 20 मार्च, बड़ा है बड़ा है लड़का, 20 मार्च वाला जून से, तो चलो अच्छा आप सुनो, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। बस ये डेफिनेशन बन जाती है, जब 1 जूल काम प्रत्येक सेकेंड पे होता है तो हमारे पास पावर कितनी आ जाती है उसकी, 1 वॉट आ जाती है। सर अगर 1 मास लगा तो दोनों में से कोई सारे पता है बेटा, अगर 1 मास में से आता है तो दोनों में से कोई, बेटा 1 मास आता है तो पहले आप इसको लिखना, फिर आप यहाँ पर ये लिखाना, फिर आप लिखना हैंस पावर इज इक्वल टू 1 वॉट। खुश नहीं सर, मैं पूछ रहा था अगर कहते हो सिंपल सा लिख देंगे, सिंपल सा दे तो आंसर भी सिंपल सा मिल जाएंगे, आधा नंबर मिल जाएंगे पक्का, नंबर नहीं काट सकते पर दे देने चाहिए, मैं 1 नंबर दे देता, मुझे पता है बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं दे दूंगा टेस्ट, ठीक है, मेरी टेंशन ना ले क्योंकि मैं दूंगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन दूंगा क्या, मुझे पता है तो मेरी ट्रिक मेरे पे अपना लोगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो चीजें होती है बेटा, ये चीजें हो गई ऐसा ही वैसा ही, मतलब ऐसा ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, राइट, लेकिन जो बिजली में आपके घरों में आती है वो जो पावर आती है वो कैसे आती है, किलोवाट, है ना, और सेकंड में नहीं आती, आवर में आती है। तो वहां पर जो यूनिट आती है घर में, क्योंकि वॉट की बड़ी यूनिट चाहिए और टाइम की बड़ी यूनिट चाहिए, तो टाइम की बड़ी यूनिट क्या हो, अब समझ में आ गया ना, देखो इसने कम टाइम, देखो जितना टाइम कम लेगा उतना पावर ज्यादा आएगा, इसलिए 5 मिनट का टाइम कम था तो पावर ज्यादा था, यानी कि वाली जो लड़की थी इधर वाली, इस वाली लड़की में पावर ज्यादा थी, क्योंकि इसने उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 5 मिनट, समझ में आ गया ना, इसका टाइम कम उसका पावर ज्यादा। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज आती है, वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या है बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये कमर्शियल यूनिट जो है ये क्या वाला है, कैसे है, आइए इस चीज को देखने की बात करते हैं। कमर्शियल चीजें वो होती हैं जहां से आप लोगों का पैसा आता है, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, पैसा कमर्शियल काम बिजनेस। देखो ये तो ऐसी बात है, पर कुछ बच्चे जो दिक्कत में वो फ्री नहीं पढ़ रहे हैं, ये नोबल काम भी है ना, तो टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, जो दे सकते हैं हमसे लोग, है ना, और जो नहीं दे सकते हम पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये है कि घोड़ा घास है दोस्ती तो नहीं कर सकता, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक कमर्शियल काम हो रहा है, क्योंकि इससे क्या आ रहा है, पैसा। अब बिजली में वो यूनिट जिसका तुम पैसा देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट, और वो कमर्शियल यूनिट बेटा किसमें नापी जाती है, किलोवाट आवर, क्या होता है बेटा, किलोवाट आवर।
और ये किलो वाट आर है, ये आप लोगों के पास क्या होती है, जो आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट आर। अब एक किलो वाट आर वैसा यूनिट ऑफ वर्क, देखो किलो वाट आवर पावर नहीं है, मेरी बात समझो, किलो वाट आर इज नॉट द पावर, इट इज द एनर्जी। किलो वाट आवर क्या है बेटा हमारे पास, ये एक एनर्जी है। तो सर ये एसी डीसी वो कौन सी वाला है, क्या बीसी कर रहा है? अरे एसी डीसी वो, अच्छा एसी डीसी कह रहा है। हाँ एसी और डीसी, तो बेटा आप लोगों के पास दो टाइप के करंट होते हैं। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि आप लोगों के इसमें जो करंट आ रहा है बोर्ड में, जिससे आपकी लाइट वगैरह चल रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो कि आपके पास ऐसे चलता है, कुछ इस तरीके की फॉर्म में चलता है। दूसरा आपके पास डीसी करंट होता है, जो कि आपके पास ऐसे चलता है। डीसी करंट जो है कम खतरनाक होता है, जैसे आपके फोन के चार्जर हो गए, है ना, ये सब डीसी पे काम करते हैं। और आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये वाले बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, कूलर जितने भी हैं, ये सब एसी पे काम करते हैं। एसी ज़्यादा खतरनाक होता है बेटा, वो अलग फॉर्म है, वो करंट की फॉर्म है। वो आप अगर ध्यान दिलाओगे तो मैं वेव्स में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा, वेव्स कह रहा हूँ, साउंड है ना तुम्हारे में, तो साउंड में थोड़ी बहुत वेव्स की बात है, वहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। अभी तो इसका इससे लेना देना हो जाएगा, रिलेट करेंगे, बट अभी नहीं है। क्लास 12th में तो पूरा चैप्टर ही है बेटा फिजिक्स में, एसी है ना, तो वहाँ तक अगर मेरे पास टिके रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे टिकते नहीं हैं, है ना, क्योंकि हो जाता है कि सर एक ही टीचर से, पर हाँ जो टिके हैं वो लंबे गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टिकेंगे कुछ तो पता है टिकेंगे ही, अब तेरे ऊपर है, एसी मुझसे पढ़ना है तो देख लियो, वरना दुकानें खुली हुई हैं हमारी तरह, और आगे देख, अच्छा उसे देख रही तू टिकेगा या नहीं टिकेगा, चलो अच्छा 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 अब मेरी बात सुनो, किलो वाट आवर है ना, आपसे पूछेगा एक किलो वाट आवर में कितना जूल होगा भैया, कितना जूल होगा, क्योंकि किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की, राइट। अब देखो बेटा एक किलो वाट आवर में कितना जूल, देखो किलो वाट पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट है, तो किलो वाट को वाट में कन्वर्ट कर दो, तो एक किलो वाट में कितने वाट हो गए, एक किलो में कितने होते हैं नॉर्मल, हजार होते हैं ना, मैंने ग्राम बोला भी था, हजार ग्राम, बस एक ही चीज पता है, हजार। अच्छा एक आवर की जगह पर मुझे ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड, तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, तेज बोल, सही बोल रहा है, 60, देख ले मुझे पता था गलत बोल रहा है, फिर मुझे पूछवाना था, एक घंटे में 60 सेकंड होता है बेटा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, पहले एक घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा पहले एक घंटे का मतलब 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, समझ में आ गया, मैंने साफ साफ उंगली करी थी सर, मैंने सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, आई टेक माय वर्ड्स बैक, जो कि अब नहीं लिए जा सकते, पर कहने का मतलब है मैंने साफ साफ इधर बताया था आप लोगों को ऐसे कि बेटा मैं सेकंड का पूछना चाह रहा हूँ, हैं तुझे, फिर कह रहा है आप, मुझे लग रहा है आप मिनट पूछ रहे हो, मतलब गलती हमारी, तुझे पता है तू जब दूसरे की तरफ उंगली करता है चार उंगलियाँ तेरी तरफ आ रही होती, कहता है तेरी भी गलती है, देख तो गलती उसने करी है ना, चार उंगली उसकी तरफ, मेरी तरफ है, ये भी सोने लगा है ना क्लास, आगे बैठा ये 9th क्लास के बच्चों को मैं 360 लिखने जा रहा हूँ, इन्हें शर्म नहीं आ रही, नहीं नहीं यार, तो 360 लिखेगा नहीं, हाँ 3600, चलो बेटा ये आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअल में ये जो वैल्यूज हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, 36 × 10^5, 50 है ना बेटा, तो इसको आप लिखोगे 36 × 10^5, पर साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि आप लोग एक के बाद पॉइंट लगाइए, तो ये आ जाएगा 3.6 × 10, अब पॉइंट इधर बढ़ गया तो ये 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 डिवाइड नहीं 4 बोल रहे हो आप, 6, आपके मुंह से आवाज ही निकली थी पर मैं समझ गया था आप 4 बोलना चाह रहे हो, ठीक है बेटा, तो ये 3.6 × 10^6 जूल, तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा बेटा, 3.6 × 10^6
चलिए तो ये आपको कमर्शियल यूनिट समझ में आ गई बेटा यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई चीज एक घंटे में 10 किलोवाट आवर की पावर कितना होगा अगर वो एक घंटे कंज्यूम होती है, तो आप कहना कि पावर जो होता है ये होता है वर्क अपॉन टाइम, और जो आप किलोवाट आवर दे रहे हो ना वो एक्चुअल में एनर्जी है, और एनर्जी का मतलब वर्क ही होता है। इसलिए जो आपने 10 किलोवाट आवर और टाइम 10 घंटे दिया है, इसका मतलब इसकी पावर एक जूल। तो पावर की यूनिट वही जूल है, किलोवाट किलोवाट हाँ। अब देखो ऐसे निकालते हैं बेटा, ध्यान देखिए यहाँ पर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम हो जाता है बेटा। तो पावर देखो, जब किलोवाट वाली यूनिट कैसे निकाले हैं, वर्क डन क्या था, किलोवाट आवर था, तो यहाँ पे वर्क की यूनिट क्या लिखेंगे, किलोवाट आवर अपॉन टाइम कितना दिया था, आवर, आवर से आवर कट जाएगा, तो पावर की यूनिट क्या बचेगी, किलोवाट। तो जब हम लोग कमर्शियल यूनिट में बात करेंगे पावर की, तो वहां पे पावर कितना दिया जाएगा, किलोवाट में दिया जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे को बुक मिलेगी क्या, कुछ और शायद बचा है, हो गया ना कमर्शियल यूनिट ऑफ, हो गया ये मैंने आपको बता दिया। एक यूनिट जो आपके घरों में आती है इसका मतलब क्या है, वो एक किलोवाट है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं आर वेरियस। मैंने 11.6 न्यूमेरिकल करा दिया था एग्जांपल, पक्का ना, ठीक है। यहाँ पर है एग्जांपल नंबर 11.7, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेइंग 400 न्यूटन। भाई आपको वेट दे रखा है, देखो 400 न्यूटन दे रखा है मतलब वो फोर्स है, यानी कि वो वेट है। अगर 400 न्यूटन दे रखा है तो वो क्या है, देखो अगर केजीएफ दे रखा है तो इसको किलोग्राम फोर्स दे रखा है ना, इसको मास में वेट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 9.8 करना पड़ेगा, पता है ना भाई, ये तो मास दे रखा होता है केजीएफ, वेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 9 कहीं पे भी लिखा होगा ना यूनिट में केजीएफ, तो समझ जाना वो आपको मास दिया है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है, वो वेट नहीं होता, लेकिन जहां पे न्यूटन दे रखा है इसका मतलब वो क्या है हमारे पास, वेट। तो यहाँ पर है दो गर्ल ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, दोनों का वेट कितना दे रखा है 400 न्यूटन, 8 मीटर के ऊपर चढ़ी, और एक गर्ल ए जो कि 20 सेकंड लेती है, दूसरा गर्ल 50 सेकंड लेती है, पावर बताना है दोनों का, तो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पावर ऑफ फर्स्ट गर्ल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स कितना था पहली वाली का, mg, तो मास कितना दे रखा है पहली वाली का, 400 इंच दे रखा है mg, और हाइट कितना दे रखा है, कितना मीटर चढ़ी बेटा ऊपर, 8 इनटू 8 अपॉन में, पहली वाली ने टाइम कितना लिया है 20 सेकंड, इसको सॉल्व कर देगा तो इसका पावर आ जाएगा 160 वॉट, यहाँ पे सिंपल वॉट पहली वाली लड़की का। दूसरी वाली लड़की का क्या हो जाएगा, 400 इंटू 8 बटे उसका थोड़ा भारी थी, तो पावर कितना आ गया उसका, इनको देख लो 64 वॉट, इसको 50 नजर आता है तो कहने का मतलब आपको ये कहानी समझ में आ गई है। अब एग्जांपल नंबर 11.8 को देखना, क्योंकि ये आप लोगों के स्कूल में जनरली अगर कोई न्यूमेरिकल डालना है तो इस न्यूमेरिकल के आने के चांस बेटा ज्यादा रहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11.8 के, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पर बच्चे गलती करने के चांस रखते हैं, वो क्या है, कहता है अ बॉय ऑफ मास 50 केजी, बॉय का बेचारे का मास कितना दे रखा है हमें 50 केजी, कहता है रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स, कितने स्टेप्स दे रखे हैं बेटा उसने, 45 स्टेप्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, कितने सेकंड्स में, 9 सेकंड दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पावर, ये कहानी आपको पूछी गई, तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के, वर्क को आप लिख सकते हैं m into g into h की f into s, f को mg लिख दिया, अपॉन में टाइम, टाइम कितना लिया था बेटा, हर एक स्टेप को चढ़ने में 9 सेकंड लगे थे ना बेटा, या 9 सेकंड पूरे में लगे थे इसमें, इन 9 सेकंड, ठीक है, टोटल टाइम 9 सेकंड हो गया, पर 9 सेकंड हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो 45 सीढ़ी चढ़ने का भी तो आया है ना, तो जो आंसर आएगा उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 45 सीढ़ियों की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, भाई पूरी सीढ़ी तो 45 चढ़ा है ना, 45 हाँ, तो जो हमारे पास
आप पहले तो टोटल हाइट देखो, डिस्टेंस ने कितनी कवर करी है, 15 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी थी और इनटू 45 करना पड़ेगा भाई, कितना तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, 375 जो भी वैल्यू आएगी है ना, डिवाइड बाय 30 करेंगे उसको सेंटीमीटर में करेंगे बेटा, करेंगे वो भी करेंगे। तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर, अब देखो यहां पर देखिए ध्यान से, मास का दे रखा था 50, ग्रेविटी की वैल्यू 10, हाइट ऑफ ईच 15 सेंटीमीटर था, लेकिन टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 45 सीढ़ी थी अपॉन में 9, ये 15 सेंटीमीटर को ऐसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 9 से 5 बार, 5 से 20 बार, 10 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 into 15 375 वॉट, और आपका आंसर जो है बिल्कुल 375 वॉट ही दे रखा है। आपसे इंटरेस्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज पावर, तो पावर क्या है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट कहता है डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर, अभी लिखा था 1 वॉट, लिखा था रहा। क्या रहा आंसर बता, क्या है, कहां है जल्दी, अरे वो पावर इज इक्वल टू 1 वॉट ऑफ, नहीं पावर देखो सर सो रहा है, सो रहा है, चलो मान लिया, सही है बेटा, तो सही है, मैं कब मना कर रहा हूं, तो यही है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। नेक्स्ट है अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड, व्हाट इज इट्स पावर, तो ठीक है पावर इज इक्वल्स टू 1000 जूल यानी कि इसका वर्क डन है, टाइम दे रखा है ये, तो ये इसका कितना आ गया 100 वॉट, सिंपल सिंपल सी कहानी है, रॉकेट साइंस तो है नहीं। डिफाइन एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, दो पावर के बीच का निकालना, देखो एवरेज पावर वैसे तो सम टोटल ऑफ ऑल द पावर कंज्यूम इन अ सर्किट उसका होता है ना, तो वही हमारे पास एवरेज पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हमने कर लिया है, ये अगला क्वेश्चन भी देख लो, वैसे तो सिंपल सा है, कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ध्यान से देखना, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट कितना दे रखा है हम लोगों को, 60 वॉट दे रखा है, अब 60 वॉट का मतलब क्या है, 60 वॉट का मतलब ये हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखा, तो पावर इज इक्वल 60 वॉट हो गई। कहता है इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, कितना टाइम यूज करा जा रहा है, 6 आवर, एक घंटे में नहीं, एक दिन में 6 घंटे। कैलकुलेट द यूनिट कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब, एक दिन में कितना यूनिट लेगा, तो बेसिकली मुझे एनर्जी निकालनी है इसकी। देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यूनिट का मतलब मुझे क्या निकालना है, वो कितना इसने काम किया होगा, पावर कितनी है इसकी, 60 इज इक्वल्स टू 6 आर है, 60 वॉट दे रखा है, इस 6 को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास यूनिट आती है किलोवाट निकालना है, इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम 6 घंटे दे रखा है, तो बस इस वॉट को किसमें कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 60 into 6 by 1 0 से 1 0 गया 36.36, तो ये कितना आ रहा है 0.36, तो जो एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, जो यूनिट आएंगी हमारे पास वो कितनी है आपके पास 0.36 यूनिट्स, इतना जो पावर है, इतना जो एनर्जी है वो आपकी कंज्यूम हुई होगी, ठीक है, कमर्शियल वो होगा क्या, हाँ बेटा ये सब कमर्शियल है, मैंने आपको ये समझाया था मैंने, तो जो भी आपके यूनिट होती हैं वो कहानी हमारे पास ये आती है। अब बचते हैं हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन और वन शॉट सब मैं रिवीजन के टाइम में आप लोगों को दे दूंगा, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग अभी एक क्लास होगी दिवाली वैकेशन से पहले शायद, है ना, तो उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।